नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। छह नए कोल ब्लॉक से खनन के लिए केंद्र राज्य की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया सुझाव। केंद्र सड़क की जगह रेल लाइन बिछाएं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड सरकार ने राज्य में छह नए कोल ब्लॉक से उत्पादन शुरू करने में केंद्र खान मंत्रालय को सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक मांग पर केंद्र खान मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू ने उन्हें आश्वस्त किया कि विभिन्न कोयला उत्खनन कंपनियों के आवंटियों के साथ बैठक कर वे झारखंड के ही 75% मानव बल से उत्खनन कार्य कराएंगे। सीएम आवास में शनिवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि कोयले की ढुलाई के लिए केंद्र सड़क की जगह रेल लाइन बिछाएं और खनन शुरू होने से पहले विस्थापितों की समस्याओं का हल निकालें। जानकारी के अनुसार 29 में 23 पुराने कोल ब्लॉक हैं। इनमें कहीं विधि व्यवस्था, कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस तो कहीं सड़क की समस्या है। एक एक कर इन समस्याओं को दूर करने पर चर्चा हुई। झारखंड के 29 ब्लॉकों में उत्पादन को लेकर शनिवार को दो दौर की बैठक हुई। अपर सचिव एम नागराजू ने कहा कि खनन क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को जोड़कर रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग किया जाएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।